बैंक लुटेरों द्वारा, पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, ट्रेवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है, भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अब 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की पुष्टि कर दी है। पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, रोजी रोटी की मार के चलते करोड़ों मजदूर शहर छोड़कर गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सीएमआई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 14 करोड़ लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपया डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता काट दिया गया है। सभी सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, कंपनियों और व्यवसायियों से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया दान ले लिया गया है। पर शर्म की बात यह है कि इसके बावजूद मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ यानी माफ करने